हम लोग आए महामाया मंदिर में और सच में बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग को मतलब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अलाव भी नहीं है चुपके चुपके से, तो यहाँ खींचना अलाव भी नहीं है, फिर भी चुपके चुपके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड, देख तो बाबू, देखना इधर देखना। हेलो फ्रेंड, कितना सारा गाड़ी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबू, कहाँ जा रहे हैं? लवन मंदिर। लवन मंदिर बताओ, लवन मंदिर जा रहे हैं? बोलो बोलो ना, लवन मंदिर जा रहे हैं? बोलो ना, देखो ना, पहले इधर देखो, फिर ये देखना मंदिर बोल दो बेटा। लवन मंदिर जा रहे हैं हम लोग, ऐसे करके बोलो। हाँ जा ले ले तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं गंगा मैया की मंदिर पर, और जय गंगा मैया। और यहाँ पहुंचने के बाद सच में बहुत बढ़िया लग रहा है, और आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह से कितने सुंदर माता की जो है मंदिर विराजमान है यहाँ। और बहुत ही बढ़िया लग रहा था देख के माता का श्रृंगार, और किस तरीके से माता को जो है सजाए गए हैं, एकदम से साफ सुथरा था, एकदम स्वच्छ था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था देख के, मन एकदम खुश हो गया गंगा मैया आके। और ये जो गंगा मैया है फ्रेंड, लवन, आप लोग नेट पर सर्च कीजिएगा कशडोल, मैं आई हूँ कशडोल, तो वहीं है लवन पास में छत्तीसगढ़ के, तो वहीं ये मंदिर विराजमान है लवन में। तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, और यहाँ देखिए काली माता का कितना बढ़िया सा जो है मूर्ति स्थापित किया गया है, तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था देख के। और इधर पे जो है बहुत ही बढ़िया सा जगह और अंदर मंदिर है, तो ये शायद जब भी माता रानी की मंदिर है, और राम लक्ष्मण और सीता मैया की मंदिर है, तो ये शायद जब कुछ कार्यक्रम वगैरह होती होगी तभी खुलती होगी। और इधर बहुत ही सुंदर सा तालाब है, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सीढ़ियों से उतरते हुए आपको ये तालाब मैं दिखाती हूँ, तो ये मंदिर की शोभा को और चार चांद लगा देती है। और यहाँ जो है केले भी फले हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के मुझे तो। और ऐसे सब जगह तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। हम लोग आए महामाया मंदिर में और सच में बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग को मतलब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अलाव भी नहीं है चुपके चुपके से, तो यहाँ खींचना अलाव भी नहीं है, फिर भी चुपके चुपके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कितना सुंदर मंदिर है ये देखिए, और उधर है माता जिसको मैं थोड़ा थोड़ा कैप्चर की हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए ये है मेरी भाभी, तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग को मंदिर, तो चलिए दिखाती हूँ मंदिर आप लोग को, काफ़ी सुंदर है। और वो तालाब कभी भी काफ़ी सुंदर है, तो चलिए दिखाती हूँ बाकी का। तो ये देखिए फ्रेंड, इधर पे भी दिए वगैरह लगे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ ज्योति कलश
जो है स्थापना वाला रूम है, तो वो इधर पे उतना ज़्यादा अलाउ नहीं था। यहाँ एक जने सोए हुए थे, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कुछ बोल ना दे, क्योंकि वीडियो करना अलाउ नहीं था। फिर भी मैंने कुछ कुछ लिया है। वैसे कोई रहता तो मैं पूछ लेती, और कोई था ही नहीं, मंदिर में पुजारी भी नहीं दिखे मुझे। और यहाँ नंदी जी और शंकर जी विराजमान है, तो सच में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था ये देख के। आप लोग को भी कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और ये मेरी सिस्टर मंजली वाली, तो ये भी हम लोग के साथ आई हुई थी, मतलब हम लोग आए हुए थे भाई, मेरे भाई तो नहीं, भाभी, मैं, मम्मी और मेरी बहन और बच्चे, इतने लोग आए हुए थे तो सच में। और मेरे हस्बैंड, बहुत ही अच्छा लगा। और ये हवन कुंड, तो यहाँ जब भी मतलब नवरात्रि हो या कुछ भी शिवरात्रि हो, तो यहाँ हवन कुंड में मतलब हवन किया जाता है। और काफ़ी सुंदर मंदिर है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा देख करके, घूम करके मन एकदम से खुश हो गया, शांत हो गया। और बच्चों की मस्ती देख करके बहुत मज़े, और मेरे भतीजे की मस्ती देख के बहुत मज़ा आए। और आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरे भतीजे ने क्या मस्ती किया। तो ये देखिए, यहाँ भी मतलब मन्नत तो वृक्ष है लगता है, जहाँ नारियल लाल कलर के कपड़े में बांधे हुए हैं। इधर पानी वगैरह की सुविधा है, यहाँ से आप पीने के पानी या फिर अपने आप को शुद्ध करके आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हो। और ये भी एक गेट है, इधर बंद था, तो शायद यही मेन गेट होगा, पर इधर पे बंद था, तो हम लोगों ने इस साइड से अंदर जो है प्रस्थान किया। तो चलिए फ्रेंड, हमारा दर्शन हो गया, इसके बाद हम लोग चलेंगे घर की ओर। तो सच में बहुत ही प्यारा मंदिर है, और यहाँ सामने बैठने के लिए बनाया भी गया है। और ये रहा मेरा बापू, जो कि काफ़ी मस्ती कर रहा था, और हम लोग सोच रहे थे ये कर क्या रहा था, पर ये ना मुर्गे को देख करके एकदम से खुश हो गया था। और ये वही कर रहा था, मुर्गे को मतलब ढूंढ रहा था, तो इसे बहुत मज़ा, तो मैंने कैप्चर कर लिया। कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो को, और मेरा बाबू कैसे लगा ज़रूर से बताइएगा। जो एंड तक देखेगा वही बता पाएगा कि मेरा बाबू कैसे लगा, तो मैं समझ जाऊँगी कि किसने मेरा वीडियो एंड तक देखा किसने नहीं देखा। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा बेटा, मेरा भाई का बेटा बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, और सच में मतलब बहुत शांत है ये। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है फ्रेंड। मेरा व्लॉग जो था यहीं तक था, और खूब इंजॉय किया मैंने अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ और भाई के साथ, बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगा जो ये पल मैंने जिया इन लोग के साथ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।